तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हेलो एवरीवन, आई एम सेय चौधरी और आज हम लोग अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर चार रेशियोज होते हैं, ठीक है। कितने? चार। एक होता है हमारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एक होता है हमारा क्या, ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब कि ऑपरेटिंग कॉस्ट लेंगे यहाँ पे हम लोग। एक होता है हमारा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और एक होता है क्या, नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा जीपी दे रखा है, हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है, हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। तो ये सब चीज़ें हमें हमारे कहाँ पर मिलती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब भी हम लोग अपने क्या फाइंड कर रहे होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो हमेशा किसके ऊपर फोकस करना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा फर्स्ट रेशियो होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। मतलब क्या हो गया, हमारा जीपी, ठीक है, ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। ये हो गया क्या इसका हमारा फॉर्मूला। तो अभी हम लोग अगर जीपी फाइंड करना हो तो जीपी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, जैसे कि ये होता है हमारा क्या, हमारी 11वीं क्लास में क्या हुआ करता था, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हुआ करता था, ठीक है। क्या होता था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसके अंदर क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे हमारी सारी क्या होती थी, COGS, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या होती थी, नेट सेल्स और क्लोथिंग स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या निकल के आता था, जीपी, ठीक है। तो जीपी के अंदर हम लोग, अभी देखो अगर हम लोग जीपी फाइंड करना, तो हम लोग क्या करते थे अपनी 11वीं क्लास में, एक यहाँ पर टोटल निकालते थे, ठीक है, और टोटल निकाल करके जो COGS होती थी इसको माइनस कर देते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करनी होती थी, बैलेंसिंग, है ना। तो अगर हम लोग अपनी जीपी फाइंड करना है तो क्या होगा, अब देखिए नेट सेल्स हमारा, तो फिर हमारी सेलिंग प्राइस कैसी होती है, इसके अंदर हम लोग अपना क्या ऐड कर देते हैं, हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट निकालना है तो जैसे कि यहाँ पे हमारी क्या होती थी इक्वेशन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर हमें ये प्रॉफिट निकालना है तो क्या करते थे हम लोग, मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपना क्या निकाल सकते हैं, जीपी, ठीक है। तो ये हम लोग अलग अलग तरह से अपने हिसाब से इमेज बना करके ट्रेडिंग अकाउंट की क्या निकालेंगे, जीपी, और इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके बाद इसकी थोड़ी थ्योरी है, वो क्या है कि ग्रॉस की वी कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टू नो आवर एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन परचेज एंड सेलिंग प्रोसेसेस। मतलब कि हम लोग अपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को निकालते तो हमें उससे क्या मालूम पड़ता है कि हम लोग अपने कितने अच्छे तरीके से अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से, मतलब कितना बार्गेन करके किस हिसाब से हम लोग अपने गुड्स को परचेज कर रहे हैं, अपने रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, और किस हिसाब से, किस एफिशिएंसी के साथ हम लोग अपने सेल्स कर रहे हैं, मतलब टाइम टू टाइम सेल्स कर रहे हैं, किस प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट है ये, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ना अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर क्या सीन होगा कि देखिए, COGS क्या होती थी हमारी, परचेज जितनी होती थी, मतलब रॉ मटेरियल, अपना वेजेस वगैरह आता था, तो ये सब कुछ हमारी किस में आता था, परचेज प्राइस में आता था, ठीक है। सेल्स भी यहाँ पर आ गई, तो हमें यहाँ पे अपना परचेज और सेल्स मिल गया, ठीक है। तो परचेज यहाँ पे होगा COGS के अंदर, बाकी के जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि वेजेस हो गया, ठीक, जो हमने लेबर्स को दी थी, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें होंगी जैसे कि टूल्स वगैरह जो भी हमने खरीदे इस वक्त, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारी किसके अंदर चली जाएंगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब कि हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर चली जाएंगी। तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग निकालते हैं किन चीज़ों को एनालाइज करके, अपने प्रोडक्शन परचेज और सेलिंग प्रोसेसेस की कॉस्ट को एनालाइज करके, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं दैट दिस रेशियो इज यूज टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि इस रेशियो की हेल्प से हम लोग अपनी सेलिंग प्राइस, मतलब कि हमें अपना कितना प्रॉफिट ऐड करना है अपनी कॉस्ट प्राइस के अंदर, हम लोग वो पता करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रेशियो पे, तो हमारा नेक्स्ट रेशियो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब ऑपरेटिंग का मतलब है यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या होगी, एक तो हमारी होती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, COGS, और एक होती है हमारी क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब कि जो हमारे P&L अकाउंट के अंदर अपने नॉर्मल ऑपरेशंस को रन करने के लिए, मतलब अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी खर्चे होंगे, जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो वाला, है ना, मतलब अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। उनको ऐड करेंगे तो हमें हमारी टोटल क्या मिल जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
ठीक है, मतलब कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। यहाँ पे 100 क्यों कर रहे हैं हम लोग बार बार 100 यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को किस में निकालते हैं, परसेंटेज में। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है दैट दिस रेशियो शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि ये रेशियो हमें हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट और हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म करके बताता है। ठीक है, एंड वी कंप्यूट दिस रेशियो टू असर्टेनिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, और हम लोग इस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं और साथ में अपने बिजनेस के मेन ऑपरेशंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर जब इनको ऐड करा हम लोगों ने, यहाँ पे मेन ऑपरेशन क्या होगा हमारा प्रोडक्शन वगैरह, और यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से, हमारे नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने वाले जो भी खर्चे होंगे। ठीक है, तो जब इनको ऐड कर देंगे तो हमें हमारे क्या मिल जाएंगे, मेन ऑपरेशन कॉस्ट मिल जाएगी, तो ये हमें हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड इट शोज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कवर्ड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ये बताता है हमें कि जो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसके अंदर कितना पार्ट हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या कर रहा है, कवर, मतलब कि इसमें से हमने कितना अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट में खर्च करा है ना, मतलब स्पेंड करा है हमने अपना कितना अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लोअर द रेशियो हायर द प्रॉफिट मार्जिन। अभी देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है हमारे एक्सपेंसेस, अगर हमारा रेशियो कम है मतलब हमारे एक्सपेंसेस कम है, ठीक है, तो हमारे पास हायर प्रॉफिट मार्जिन होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है, हायर द रेशियो लोअर द प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कि रेशियो अगर हायर है मतलब हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट हायर जा रही है, तो उससे हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो अब हमारा नेक्स्ट रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, मतलब क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100 हमारा क्या हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, और वी कंप्यूट दिस रेशियो टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, मतलब कि हम लोग इस रेशियो को भी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में निकालते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है मतलब हमने अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन जो भी थे अच्छे से परफॉर्म करें, तो हमें हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी मालूम पड़ जाएगी अपने इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो से। उसके बाद है दिस रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये रेशियो एक रिलेशनशिप फॉर्म करता है किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि यहाँ पे इस रेशियो को कैलकुलेट करने में हम लोग अपने फॉर्मूले के अंदर कौन सा नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 100 से 100 क्यों करेंगे, कि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा अपना नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है, आफ्टर टैक्स, क्योंकि जैसे ये रहा मेरा क्या कहते हैं पीएनएल अकाउंट, यहाँ पे मेरा क्या है जीपी ब्रॉट डाउन करा मैंने बैलेंस, यहाँ पे सारी क्या आ गई एक्सपेंसेस, यहाँ पे सारी क्या आ गई इनकम, जब इनको कैलकुलेट करा यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट भी पे करा होगा, सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद हमारा एक नेट प्रॉफिट निकल के आया यहाँ पर। ठीक है, टोटलिंग करके बैलेंसिंग करके हमारा क्या है एक नेट प्रॉफिट निकल करके, इसके ऊपर जब हम लोग यहाँ पर टैक्स पे कर देंगे, तो टैक्स पे करने के बाद जो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आएगा वो कैसा होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, मतलब कि ये नेट प्रॉफिट आया हमारे टैक्स को पे करने के बाद, तो इस वाले नेट प्रॉफिट को यूज करेंगे और हम लोग अपने इस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके अपना रेशियो का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एंड दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स, ये रेशियो नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, और दिस रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। अभी बिजनेस का एक प्रॉफिट आया क्या, नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर मतलब हमने सारे टैक्सेस पे कर दिए, ठीक है, सब कुछ कर दिया, उसके बाद हमारे पास आया नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये अगर हमारा मतलब कंपनी का लास्ट का प्रॉफिट बचा हुआ सारा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो मतलब कि कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है, और अगर कम आ रहा तो फिर कंपनी कम एफिशिएंट है। तो फिर अगर ये रेशियो हायर होगा तो हमें क्या मालूम पड़ेगी, हायर एफिशिएंसी, लोअर होगा तो क्या होगा, लोअर एफिशिएंसी, मतलब कि ये रेशियो हमें हमारी कंपनी की एफिशिएंसी को एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है
Return on investment और return on capital employed. Return on capital employed और return on investment क्या होगा? मतलब हमारी कंपनी के अंदर दो तरीके से पैसा आया होगा. एक होगा जो कि ओनर ने दिया होगा, एक होगा जो कि आउटसाइडर, मतलब कि एक हमारे क्या होंगे, बोरोड फंड्स होंगे. ठीक है, जैसे कि ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या है हमारा इक्विटी, मतलब कि शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट, मतलब कि बाहर से जो आउटसाइडर से हमने पैसा ले रखा है एज अ लोन. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, और इसका रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड. मतलब कि हमें कौन सा नेट प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट पे करा, जैसे यहाँ पे एक और बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने जो अपना इंटरेस्ट पे करा हुआ है, तो अभी क्या होगा, जैसे कि ये रहा मेरा क्या पीएनएल अकाउंट. ठीक है, पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, मेरे एक्सपेंसेस आते हैं, यहाँ पे मेरा जीपी आता है, यहाँ पे मेरी इनकम आती है. इस एक्सपेंसेस के अंदर एक एक्सपेंस और होता है, क्या होता है हमारा इंटरेस्ट, जो कि हम किस पे करेंगे, अपने लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर. ठीक है, तो इसको पे करने से पहले मान लो हमने प्रॉफिट निकाल लिया. ठीक है, बैलेंसिंग कर ली, टोटल आया, टोटल इक्वल नहीं आ रहा, यहाँ पर टोटल लिख करके बैलेंस करके क्या निकाल दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट माइनस नहीं करा तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, बिफोर इंटरेस्ट. अगर हमने रेंट माइनस नहीं करा तो हमारा नेट प्रॉफिट कैसा होगा, बिफोर रेंट. ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट मतलब इंटरेस्ट. अभी इंटरेस्ट क्या हमारा एक्सपेंस, अब भी अगर हमने अपने सारे एक्सपेंसेस पे नहीं करे तो फिर हम लोग अपना टैक्स क्यों पे करेंगे, और अगर टैक्स नहीं पे करा मतलब सारे खर्चे पे नहीं करे तो फिर हम लोग अपने ओनर्स के बीच में पैसा क्यों बांटेंगे एज अ डिविडेंड. ठीक है, तो इसलिए ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब बिफोर इंटरेस्ट जो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, अभी देखिए ये जो नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग लेकर के आएंगे यहाँ पर और अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, इनटू क्या 100. ठीक है, तो ये हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का एक्सप्लेनेशन हो गया है, और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं अपने टीएस ग्रेवाल बुक में से. तो थैंक यू.